अगर आपको विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, यानी कि पूरी जो बीएलओ के पास पूरी लिस्ट होती है, आपको भी अगर अपने मोहल्ले की या अपने एरिया की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे फ्री में उस वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो और ऑल इंडिया कहीं की भी आप उस वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी इस लिंक को ओपन करते हैं तो आप इसका जो ऑफिशियल पेज है, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, इस पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन। अब आपको ये जो ऑप्शन है डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल पीडीएफ, ये आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने स्टेट आएगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है और फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्या होगा, एक जो नया पेज है वो वहां पे ओपन हो जाएगा, आप जिस स्टेट में भी रहते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रोल रोल पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है वो आपको देख लेना, अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आपके वोटर कार्ड में पीछे लिखा हुआ होता है वहां पे आप देख लीजिए कि आपका कौन सा एरिया वहां पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी एरिया है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शो पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। मान लीजिए आपका ये वाला पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला पोलिंग स्टेशन है, तो आपको ये जो इलेक्ट्रोल रोल पीडीएफ है इस पे आपको क्लिक करना है व्यू पे। अब आपको क्या करना है, आपके सामने देखिए ये कैप्चा कोड आएगा, ये कोड आपको डाल के व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कोड डाल दिया है, व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने पूरी ये जो लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो कुल जो वोट है देखिए वो 1220 है, जिसमें कि पुरुष 618 हैं और महिला 601 हैं, यानी कि 1219 है टोटल, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, देखिए आपके जो वार्ड है, थाना है, तहसील है, जिला है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपके जो कॉलोनियां हैं, जो आपकी भाग संख्या है वो कौन सी आती है, वो भी यहाँ पे देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है। यानी कि आप इस तरीके से कहीं का भी, पूरे ऑल इंडिया में कहीं का भी आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए पूरा यहाँ पे मैप वगैरह सब कुछ होता है कि कैसे आपको जाना है, कहाँ पे आपका है, कहाँ आपको वोट देना है। देखिए सब लोगों के देखिए यहाँ पे नाम है, वोटर कार्ड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे फोटो नहीं दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आप नाम वगैरह, पिताजी का नाम, एड्रेस, एज वगैरह, यानी कि पूरा सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, केवल फोटो नहीं आएगा। और आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी का वोटर कार्ड नहीं आया है तो आप इस लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि उनका वोटर कार्ड बन गया हो लेकिन उनके पास अभी नहीं पहुंचा हो। तो यानी कि इस तरीके से आप भी बीएलओ वाली जो लिस्ट होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके परिवार में कितने वोट हैं, किसी का कोई नाम कटा तो नहीं है या कोई नया ऐड तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे फ्री में अपनी जो वोटर लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बड़ी आसानी होगी कि आपके परिवार में कितने लोगों के वोटर कार्ड हैं और कितने लोगों के वोटर कार्ड अभी तक नहीं है। अगर आपने कोई वोटर कार्ड अप्लाई किया है तो वो भी आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि उनका नाम वहां पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। आज के वीडियो में हमने आपको जो कुछ बताया उससे संबंधित अगर आपकी कोई भी कैसी भी आपको परेशानी आ रही हो तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं, हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। या फिर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।